हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मारुति मैथमेटिक्स। मैं जैन भाटिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आज की न्यू पजल लेके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की पजल। तो पजल को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियोज आप हमारे चैनल पर देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारी आज की पजल क्या है, चलिए देखते हैं। तुम्हारी आज की पजल की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि ए बी सी डी ई और एफ यानी कि छह लोग हैं, वो एक सीधी पंक्ति में उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं यानी कि नॉर्थ की तरफ उनका फेस है। तो सीधी लाइन वाली अरेंजमेंट है हमारी, स्ट्रेट लाइन और जो है नॉर्थ की और जो उनका फेस है, ठीक है, यानी कि उत्तर की तरफ। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो अभी मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अगर आपकी नॉर्थ के लिए पजल हो तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। मतलब ये कोई आदमी बैठा है सेंटर में, अगर कोई ये आदमी बैठा है, अगर वो कहे यहाँ पे डी बैठा है तो डी की आपको लेफ्ट और जाना है तो ये होगी, अगर डी की राइट तरफ जाना है तो ये होगा, ठीक है। चलिए अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। तो पहली लाइन हमारी है, डी पंक्ति के बाईं ओर अंतिम छोर पर बैठा है, यानी कि डी जो है लेफ्ट की ओर कॉर्नर पे बैठा है। तो लेफ्ट कौन सा बताया था मैंने, ये तो लेफ्ट कॉर्नर पर कौन आ गया, यहाँ पे डी आ गया। तो उसने हमें कितने लोग बताए थे, छह लोग, तो उसमें से एक की जगह आ गई, मतलब पांच लोग रह गए। तो उसमें से जो एक था वो बैठ रहा है कॉर्नर पे, मतलब बाकी इधर बैठेंगे, पांच लोग बाकी इधर है, एक दो तीन चार पांच, यही आएंगे ना, क्योंकि ये तो कॉर्नर पे बैठ गया और इधर कोई बैठ नहीं सकता तो ये पांच लोग इधर आएंगे, ठीक है। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन है, डी और बी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और बी के बीच देखते हैं, एक दो तीन, तो बी हमारा यहाँ पे आ गया, आगे ना डी और बी के बीच तीन लोग। अगली लाइन है, बी एफ के दाएं दूसरा बैठा है। तो मैंने आपको क्या चीज बताई थी, अगर डी की इस तरफ जाना है तो ये हमारा राइट होगा, अगर लेफ्ट तरफ जाना है तो ये होगा। तो उसने क्या कहा है, जो बी है वो एफ के दाएं दूसरा बैठा है, तो एफ हमारे यहाँ पे होगा, एफ के दाएं दूसरा बी आ गया ना, तो ये हमारी लाइन बन गई। अगली लाइन है, ए बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ए नहीं, ना तो यहाँ पे हो सकता है ना यहाँ पे हो सकता है, तो कौन सी जगह बच गई, ये, तो ए यहाँ पे आ गया क्योंकि बी के साथ तो बैठ नहीं सकता था वो। तो अगली लाइन है, ई पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो जो ई है वो कॉर्नर पर नहीं बैठा, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो और कौन सी जगह बच गई, ये वाली, तो ई हमारा यहाँ पे आ गया, तो और यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पे आ गया हमारा सी, ठीक है। तो ये आपकी पजल बन गई। तो अभी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त व्यवस्था में उनके बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में पांच में से चार हैं जो किसी प्रकार समान है और उनमें से एक जो है वो किसी प्रकार समान नहीं है और वो कौन है जो इस समूह में नहीं आता। तो हमारे ऑप्शंस क्या है, एक तो है एफ बी, तो देखिए इसमें एक आदमी बैठ रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है ई और सी, इसमें भी एक आदमी बैठ रहा है सेंटर में। तीसरा ऑप्शन है ए, इसमें भी सेंटर में एक आदमी आ रहा है। चौथा ऑप्शन है ए डी, देखिए ये गलत हो गया, एक तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है और उस एक उनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा, ठीक है। तो ये हमारा यही आंसर होगा, उसने पूछा था यही एक पर्सन जो इस समूह में नहीं है, तो ये सारे लगभग एक समान ही थे, ये जो ऑप्शन था ये अलग था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन है, चार ऑप्शन, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, पंक्ति के दाईं और अंतिम छोर पर कौन बैठा है। तो मतलब पंक्ति के जो कॉर्नर पे राइट पर कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, सी। हमारा आंसर क्या है, कौन सा ऑप्शन है, दोनों, ये हमारा आंसर, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना, अगर इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी व्यक्तियों को दाएं से बाएं वर्णक्रम में बिठाया जाए तो मूल बैठने के स्थानों की तुलना में कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो अगर इनको लाइन के हिसाब से बिठाया जाए
दाएं से बाएं तो कितनों के स्थान जो है चेंज नहीं होंगे, मतलब चेंज होंगे, उसने ये पूछा चेंज होंगे। तो दाएं से बाएं बिठाते हैं पहले, ए बी सी डी ई और एफ। तो देखिए किस किसी का स्थान चेंज हो रहा है, यहां पे नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, पहला ऑप्शन यानी कि नानुतीस, कोई भी नहीं। ठीक है, समझ आ गया ना, क्योंकि यहां पे उसने कहा अगर सेम सेम आए, यहां पे अगर ए है तो यहां पे भी ए होना चाहिए, तो फिर आपका आंसर वो सही होता। ठीक है, यहां पे कोई भी सेम नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी, यानी कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बी के संदर्भ में एफ का स्थान क्या है। तो पहले ऊपर वाला बिठा देते हैं, देख क्या कहा है, डी के संदर्भ में जो है एफ का स्थान क्या है, यानी डी के संदर्भ में एफ का स्थान, तो कौन सा हो गया, दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा, यही होगा ना, उसने डी के संदर्भ में पूछा है तो इधर से यही आएगा। अगर वो कहता है एफ के संदर्भ में तो बाएं से दूसरा होता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये पांच नंबर ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, ए हमारा ये रहा, बी हमारा ये रहा, ए और बी के बीच कितने बैठे हैं, एक और दो, दो लोग बैठे हैं। कौन सा ऑप्शन है, तीन नंबर। ठीक है, ये हमारी पजल के क्वेश्चंस हो गए। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो आपको जो ये मैंने पजल करवाई है, इसके स्टेटमेंट को आपको दोबारा पढ़ के इसको जो है पजल को दोबारा बनाना है। अगर जब आपने पजल बना ली, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को जो है दोबारा से सॉल्व करना, तभी ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।